झारखंड के देवघर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी सारठ और मधुपुर थाना समेत अन्य कई थाना क्षेत्रों से हुई है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 32 मोबाइल फोन, 59 सिम कार्ड, 12 पासबुक, 2 चेकबुक और 11 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि इन लोगों की तलाश पुलिस कई सालों से कर रही थी और ये सभी गिरफ्तार साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रहे थे। साइबर अपराधियों के विरुद्ध देवघर पुलिस का विशेष अभियान जारी है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत विगत रात्रि 2 टीमों के द्वारा बुढ़ई, करौं, पथरौल, मधुपुर और सारठ थाना क्षेत्र में छापामारी की गई। एक टीम का नेतृत्व DYSP मंगल सिंह जामुदा और दूसरी टीम का नेतृत्व DYSP साइबर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवघर से हमारे संवाददाता रंजीत जुड़ चुके हैं। रंजीत, 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ किया जा रहा है अभी उनके साथ, क्या उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि देवघर पुलिस लगातार साइबर क्रिमिनल को खत्म करने के लिए, लगातार इनको नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और लगातार एक मुहिम चला रही है। इसको लेकर पिछले अगर 3-4 महीने की बात किया जाए तो तकरीबन 300 के करीबन अभी तक साइबर क्रिमिनल को पकड़ा जा चुका है। आज फिर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता लगी है और तकरीबन 22 जो है साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है, जो सारठ, मधुपुर, बुढ़ई, करों, पथरोल, अन्य थाना क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 32 मोबाइल, 59 सिम कार्ड, 12 पासबुक, 2 चेकबुक व 11 ATM कार्ड बरामद किया गया है। और इसकी पुष्टि देवघर SP अश्विनी कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार साइबर अपराधी में सीताराम मंडल, जो पहले भी साइबर क्राइम मामले में जेल जा चुका है और उसे फिर गिरफ्तार किया गया, वहीं गिरफ्तार एक अन्य अभियुक्त जाहिर अंसारी, जो साइबर अपराधियों को फर्जी खाता उपलब्ध कराता था जिसके एवज में 20% कमीशन लेता था। यह गिरफ्तार सभी अपराधी बैंक फर्जी बैंक अधिकारी बनकर बैंक ग्राहकों से OTP हासिल करके ये लाखों की ठगी किया करता था और गुप्त सूचना के आधार पर ये SP द्वारा ये कार्रवाई की गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत। तो एक बार फिर से मैं आपको बता, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 32 मोबाइल फोन, 59 सिम कार्ड, 12 पासबुक, 2 चेकबुक और 11 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं।